सिंगरौली में पावर प्लांट के लिए एनटीपीसी विंध्य नगर द्वारा 9 गांवों का अधिग्रहण किया गया था। गांवों के लोगों को बसने के लिए नवजीवन बिहार के नाम से कॉलोनी बनाई गई थी, लेकिन इस लिस्ट में कई विस्थापित लोगों का नाम छूट गया था, जिसको लेकर उनको पट्टा दिया गया। सिंगरौली सभागार में विधायक रामलल्लू वैस, नगर निगम कमिश्नर आरपी सिंह, वरिष्ठ समाजसेवी इंद्रेश पांडे की उपस्थिति में बचे हुए 35 विस्थापितों को पट्टा वितरित किया गया। इस दौरान रामलल्लू वैस ने कहा कि जो लोग अभी भी छूट गए हैं उनको भी पट्टा वितरण कराया जाएगा। विधायक ने कहा कि उन्हें भी पट्टा नहीं मिला है, लेकिन जब सब लोगों को मिल जाएगा उसके बाद हम यह विस्थापन पट्टा लेंगे। ये बहुत पुराना एनटीपीसी के विस्थापित लोगों का प्रकरण है, जिसमें माननीय विधायक जी द्वारा निरंतर प्रयास किया जाता रहा है। तो उसमें जो एनटीपीसी के विस्थापित लोग थे, तो हरई में एक लेआउट तैयार किया गया और वहाँ जो है प्लाट निकाले गए। इसमें टाउन प्लानिंग से अनुमोदन कराने के पश्चात जो इसका सीमांकन और परिसीमन वगैरह है वो हुआ है। सही कह रहे हैं। और आज हमें अपार प्रसन्नता है, पहली बार विधायक जी जब महापौर का चुनाव लड़ रहे थे उसी समय हम लोगों के यहाँ जाके वादा करके आए थे। महापौर बनने के बाद हम सभी का जो बचा हुआ है उन सभी ग्रामवासियों को प्लाट दिलवाएंगे। ऐसी परिस्थिति में उन्होंने अथक प्रयास करते हुए इस जमीनों में को अर्जित करने में प्लाट के रूप में काफ़ी परेशानियां थी। यहां से भोपाल तक की प्रक्रियाएं चली और ये कंटिन्यू प्रयासरत रहे और इन्होंने कहा था कि जब लेंगे तो सब लोग साथ में लेंगे। आज बड़े खुशी के दिन है कि 82 के बाद अर्जन हुआ, 82-83-84 मौजा मिले और 85 तक हम लोग वहाँ से उजड़ कर अपने अपने स्थान पर चले। किंतु जो शासन की नीतियाँ थी, पुनर्वास जो बसिंदे थे पुराने, उनको प्लाट आवास सुविधा 40/60 का दिया जाएगा। बहुत से हमारे लोगों को नवजीवन बिहार में बसाया गया, जो शेष रह गए ऐसे लोगों को भी बसा दिया गया वहाँ, कि जो 97-96 में उजड़े एस डाइट से शाहपुर, चुचुड़िया, अतरैला आदि गाँव के लोगों को भी उसी 9 गांव में बसा दिया गया। ऐसे कुल को 17 गांव के लोगों को वहां बसा दिया गया और जो छूटे वो छूटे ही रह गए। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गाँव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।